इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो हमने L1 और L2 लेक्चर में डिस्कशन किया था, तो कुछ हमने जो एक्सपीरियंस है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के उनको हमने समझा, और जो एक्सपीरियंस है उनको ऑब्जर्व किया कि हाँ कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला इस तरह का फोर्स होता है ना। कभी कभार डिस्चार्ज का भी जो शॉक लगता है वो बेसिकली डिस्चार्ज है ना। कुछ जो चार्ज है वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो अब डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज हो रहा है तो वो शॉक के फॉर्म में या लाइटनिंग के फॉर्म में, थंडरस्टॉर्म में इस तरह आता है। तो जो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो अब ये आता किधर से है? तो इसके लिए हमें जितने भी चाहे इंसुलेटर हैं, चाहे हमारा जो भी मटेरियल हमने यूज़ किए, जहाँ पर भी ये फिनोमिना जो हमने देखा है ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो सब जितने भी मैटर है ना, वो सब एटम से मिलके बने हैं। तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल से मिलके फाइनली जो मैटर है वो शेप लेता है। तो हमें एटॉमिक लेवल पे इसको देखना है, एटॉमिक लेवल से समझ में आएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है ना। तो ये जो अट्रैक्शन है और जो एक तरह से रिपल्शन है, डिस्चार्ज है, ये क्या है बेसिकली, ये क्यों हो रहा है, तो इसको समझने के लिए एटम पे आते हैं। तो ये एटम की एक स्ट्रक्चर दी हुई है, यहाँ पर एक ऑर्बिट है, मतलब जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो सराउंड में है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक। तो एक सर्टेन स्पीड है इनकी, और जो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का। तो ये तो जो बेसिकली जो एटम है, इधर वाली जो साइड है ना, साइड ए लिख देते हैं इसको, मैं इसको नाम दे देते हैं साइड ए, और ये वाली है बी। तो जो ए जो साइड है एटम की, ये एक्चुअल है, जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह मूव करते हैं। बी को हम सिंप्लीफाई करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है इसमें कौन सा जो ऑर्बिट है वो छोटा है, कौन सा ऑर्बिट बड़ा है, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस तरह का, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये सिंप्लीफाई मॉडल है एटम का। तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो सराउंड में है वो उसमें है इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है जो एटमिक जो एटम है वो कंसिस्ट करता है तीन पार्टिकल, उसमें एक आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और एक आपका इलेक्ट्रॉन। तो टोटल होल जो है इसको बोलते हैं एटम। ऑलराइट, अब आते हैं जो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो जो सेंटर में है, जो न्यूक्लियस है सेंटर में दो पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। एक पार्टिकल आपका है प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको मैं पॉजिटिव चार्ज ले देता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक। जो न्यूट्रॉन है वो अनचार्ज पार्टिकल है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज को मैं मेंशन करूंगा इस तरह, है ना, पॉजिटिव लिख दिया है मैंने। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों मिलके न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, ठीक। और जो सराउंड में है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये सब सराउंड में है। अब यहाँ पर जो है ये जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को मैं शो करूँगा इस तरह, ठीक है। तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसमें समझने की बात है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसके जस्ट अपोजिट पर सेम चार्ज, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, ठीक है, तो वो प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे सेम रहता है। बस जो उसका एक तरह से साइन है ना, जो चार्ज है वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो सेम चार्ज होता है पर अपोजिट चार्ज होता है दोनों पे। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर इसको समझते हैं, जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो है हमारे, ये वाला जो न्यूट्रॉन पार्ट है ये अनचार्ज है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के साथ जो न्यूक्लियस पे जो ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और जो सराउंड में जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो सराउंड में जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें एक जो हमारा जो एक तरह से लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको समझते हैं, है ना।
तो उसमें बेसिकली अगर हमारा जो ओड चार्ज है, मतलब ओड का मतलब है अगर प्लस और माइनस, है ना, दो अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल से भी हमने देखा, ठीक है, जो हमने उसमें शो किए थे, जैसे उसके गर्ल्स के हेयर हमने देखे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि सेम चार्ज था। और जो कॉम जो पीस ऑफ पेपर उठा रहा था, जो पीस ऑफ पेपर थे वो न्यूट्रल थे, पर वो चार्ज बॉडी के मतलब नियर आते ही वो क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे। ठीक है, तो जो एटम की जो स्ट्रक्चर है, अगर एटम को समझेंगे तो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो उसका सराउंड है एटम, जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम के जो सराउंड में है वो है इलेक्ट्रॉन, और वो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर अब इसको समझने की जरूरत है कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर इसके पास चले क्यों नहीं जाते न्यूक्लियस के पास, तो न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पे ये मूव क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि ये मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, अगर हम सन को देखें तो ये सन है सपोज करो, और हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है इसके अपने ऑर्बिट में, ठीक है ना। जो अर्थ है वो मूव करती है ऑर्बिट में सन के चारों ओर। तो एक इसकी वेलोसिटी है अर्थ की, ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो जो अर्थ जो मूव कर रही है एक सर्टेन वेलोसिटी पे मूव कर रही है ना, ऐसे ही जो, और इस वजह से जो सन जो है उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो बॉडीज़ हैं है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको समझ लो कि जो बॉडीज़ हैं एक दूसरे को, जैसे कि अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है ना, और ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं उसको, ऐसे ही दो अगर बॉडी बॉडी हैं, तो अर्थ हो और मून हो, है ना, अर्थ के साथ सन है, तो ये सब जो है ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर ये एक दूसरे से फिर भी दूर रहते हैं। दूर क्यों रहते हैं, इसके पीछे एक वजह है। तो उसमें जो सेंट्रिपिटल फोर्स, इस तरह का सुना होगा है ना, तो मैं भी कोई नाम नहीं दे रहा हूँ सेंट्रिपिटल फोर्स या इस तरह का, मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह ये एक दूसरे से अट्रैक्शन, क्योंकि जो 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 स्पेस है ना, जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कैसे रखते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस जो स्पीड है अर्थ की, ठीक है, तो ये भी एक फोर्स है, और ये इससे क्या करती है, इससे दूर लेके जाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई हम एक ऑब्जेक्ट कोई रोप से या रस्सी से कोई बांध के और उसको हम घुमाते हैं, तो रस्सी से तो हम उसको खींच रहे हैं, पर जो उस पर हम फोर्स जो वो मूव कर रहा है, अगर उसको छोड़ें रस्सी को तो वो एकदम दूर निकल जाता है, ठीक है ना, तो वो छोड़ के चला जाता है। तो आप उसको अटैक करना बंद कर दो, वो चला जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप उसको घुमा रहे हो तो एक फोर्स उस पर काम कर रहा है। तो ऐसे ही सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स है, ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों इक्वल हैं, तो वो अपनी जो मेंटेन है डिस्टेंस मेंटेन करती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो उसका एटमिक जो उसका ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, वो उस पर मूव करता रहता है। तो सेम है, अब अर्थ से जब हम प्लेस करते हैं कोई सैटेलाइट है ना, जैसे इसरो कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो वो भी क्या करता है, वो एक सर्टेन स्पीड होती है, तो 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड के अराउंड के, ठीक है, तो उस स्पीड पे उसको वो उसके ऑर्बिट में उसको छोड़ के आता है। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड से क्या होता है कि ये जो हमारा सैटेलाइट है वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूस मूव करता रहता है, ठीक है, तो अर्थ के ऑर्बिट में वो कंटिन्यूस मूव करता रहता है। अगर इस स्पीड से कम है तो ये धीरे 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 अर्थ में आएगा, सही है, और ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे बात। तो अगर इस स्पीड से, इस स्पीड के इक्वल है, ठीक है, तो ये इसमें मूव करेगा, इस स्पीड से ज़्यादा है तो ये बाहर चला जाएगा, अगर इस स्पीड से कम है, ठीक है, तो वो वापस अर्थ से टकरा जाएगा, ठीक, तो जितनी कम है उतनी जल्दी टकराएगा, समझ रहे बात। तो इस तरह का है, तो फोर्स जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, तो एक ये जो सर्टेन जो स्पीड है इस पे ये इक्वल है, तो इसलिए ये इससे आगे टच नहीं करता है। तो नेक्स्ट है वो हमारा इसमें आगे, अब इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है और जो सराउंड में है वो हमारा
जो है चार्ज जो है हमारा वो नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो जो एटम को अगर हम पूरा एज ए होल देखेंगे, अगर नॉर्मली जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब अंदर इसमें चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके सराउंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास नेगेटिव चार्ज है, पर जो नेट चार्ज है एटम का, सही है, तो नेट चार्ज जो है एटम का वो जीरो नॉर्मली। तो वो किस लिए, अब कैसे जीरो होता है, जो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, सही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे किसी भी मटेरियल का आप देख सकते हैं एटम, ठीक है। तो इस वजह से जो नेट चार्ज है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो नेट चार्ज है एटम का वो जीरो, तो क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब क्या हो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से डिस्प्लेस कर दें, हटा दें, और इलेक्ट्रॉन हटेगा कैसे, तो उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जाइज करते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो वो ऑर्बिट से बाहर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऑर्बिट से बाहर जाते जाते तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पॉजिटिव की वजह से इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा वो इसको छोड़ के चला जाएगा, पैरेंट एटम को। तो जब एक अगर इलेक्ट्रॉन को अगर ये छोड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या अब फर्क आएगा। तो पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल है एटम की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायग्राम में देखें वो भी 4 है। तो जो चार्ज है, तो 4 प्रोटॉन का जो चार्ज है, सही है, वो इक्वल है 4 इलेक्ट्रॉन के। बस डिफरेंस क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सही है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सिर्फ ये फर्क है, बाकी जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है इसके अंदर वो 4 है, ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके सराउंड है वो भी 4 है, ठीक। तो अगर इनका नेट करें तो 4, तो +4 -4, सही है, ये +4 प्रोटॉन का और -4 इलेक्ट्रॉन का, तो नेट चार्ज इक्वल टू 0, ठीक। पर अगर अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेस कर दूँ, और डिस्प्लेस करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको एनर्जी, और एनर्जी कैसे दे सकते हैं, उसको हीट करके, ठीक है, या उसको रब करते हैं, रब करने से फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है वैसे, या उसको फोटो मतलब एक तरह से लाइट एनर्जी देंगे, तो लाइट है उसमें भी क्या होता है, हीट होती है ना। तो लाइट एनर्जी दोगे तब भी ये, तो एनर्जी किसी तरह से भी दो, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको समझने की ज़रूरत है कि जो आउटर जो हमारा ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना, वो कम होता है। अगर जो नियर अबाउट जो ऑर्बिट है वो इससे टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो जो इनका जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, जो इसको न्यूक्लियस के साथ अटैच कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको अगर रिप्लेस करना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पर जो आउटर जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी जो ऑर्बिट है नियर टू न्यूक्लियस उसके कम होती है, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं और वो क्या करता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है, ऑर्बिट को छोड़ देगा तो वो बाहर चला जाएगा। तो रब करने से भी हम क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मैं इसको डिस्प्लेस कर दूँ, मैंने उसको रब किया और एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ से डिस्प्लेस होके, ठीक है, चला गया, बाहर चला गया, तो अब इस पे जो चार्ज बचा एटम पे वो कितना चार्ज है, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अब नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 4, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो 4 प्रोटॉन हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और चार्ज कितना है यहाँ पर, +4 चार्ज है और इसका -3 यूनिट चार्ज है। तो यूनिट अभी उसको हम क्वांटिटिवली नहीं देख रहे, तो +4 और यहाँ -3, और नेट चार्ज कितना हुआ,
प्लस वन, इन दोनों का सम करेंगे तो प्लस वन नेट चार्ज है किस पे, इस पूरे एटम पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है। एक प्लस का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे एटम पे जाएगा तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ, जो उसकी न्यूट्रलिटी थी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे पहले, पर इस इलेक्ट्रॉन के जाने से, है ना, इस इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या होगा, वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आएगा एक नेगेटिव चार्ज, है ना, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सेम जो हमने फिनोमिना जो हमने देखा प्रैक्टिकल में, हमने नाइलॉन को रब किया किसके साथ, प्लास्टिक के साथ, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, सही है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आया उसके पास वो इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। तो जिस जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिस बॉडी पे, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसके पास वो इलेक्ट्रॉन गए हैं, उस एटम से निकल के, मतलब दूसरे मटेरियल से वो एटम इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं उसके पास, ठीक है। तो इसको अभी यहीं रोकता हूँ मैं, और फिर आगे उसको दूसरे किसी लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज गया है, मतलब किसी पे पॉजिटिव चार्ज है किसी पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरे एटम पे जाता है तो कैसे चेंज होता है, उस कैलकुलेशन को भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, शेयर करो वीडियो। चलिए, थैंक यू।